तो कैसे हो यार? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगे। आज बात करेंगे कि आज के टाइम में ना एक इंसान का दूसरे इंसान पे भरोसा इतना कम क्यों हो गया, ट्रस्ट इशू के बारे में। आज के टाइम पे ना कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या कोई रिश्ता हो, या कोई अपने करीबी लोग हों, रिश्तेदार हों, नहीं होता है ट्रस्ट, जल्दी भरोसा ही नहीं होता है। और अगर भरोसा तुम किसी पे कर भी लेते हो तो आगे चल के वो इंसान आपको चीट कर जाएगा, धोखा दे देगा, आपके भरोसा को तोड़ देगा। तो ऐसा क्यों है, ऐसा लोग क्यों करते हैं आज के टाइम में? और आज से बहुत साल पहले, पीछे 40 साल, 50 साल पहले, 60 साल पहले लोग इतने ईमानदार, ऑनेस्ट क्यों होते थे? चाहे वो कोई भी चीज़ हो, दोस्ती निभाने में भी अमेजिंग अमेजिंग लोग होते थे, बहुत बेहतरीन दोस्ती शिद्दत से निभाते थे, मोहब्बत प्यार करते थे, शिद्दत से निभाते थे, मरते दम तक नहीं साथ छोड़ते थे। या कोई अपने लोग हो, करीबी रिश्तेदार हो, घर फैमिली के लोग हो, उसमें भी पूरा जी जान से, शिद्दत से अपना रिश्ता निभाते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्यों? आज इसके बारे में बात करेंगे। देखो यार, आज के टाइम में क्या है ना, लोगों का एक्सपोजर बढ़ गया है, लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं। एक अगर इंसान है, एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक लड़का का, तो एक लड़का आज के समय में बहुत सारे, मतलब स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, घर पे, है ना, सोशल नेटवर्किंग पे, फ़ोन में, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मार्केट, रेलवे स्टेशन, कहीं पे भी चले जाओ, एक लड़का है तो वो बहुत सारी फीमेल के साथ कांटेक्ट में आ सकता है, मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, उसको जान सकता है। एक लड़की भी ऐसा कर सकती है, बहुत सारे लोगों को जान सकती है, बहुत सारे लोगों को समझ सकती है। यानी कि आज के टाइम में बहुत सारा ऑप्शन हो गया, बहुत सारा ऑप्शन हो गया। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, बहुत कम ऑप्शन थे, लोगों का एक्सपोजर बहुत कम था, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते कम थे, इसलिए जो लोग जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करते थे, और वैसे में ही ट्रस्ट बना रहता था, भरोसा बना होता था। सपोज मान लो पहले का जो शादी होता था, मैरिज होता था, किसी इंसान से अगर किसी का हो गया, जैसा भी वो इंसान है, लेकिन दिल से, शिद्दत से वो उसको निभाते थे, प्यार से निभाते थे, प्योरिटी के साथ निभाते थे, पूरा पवित्रता के साथ उस बंधन को लेके पूरी जिंदगी काट देते थे। ऐसे लोग होते थे, भले लड़ाई झगड़ा होता होगा, बहस होता होगा, है ना, कुछ बहस होता होगा, कुछ हो सकता है, एक दूसरे का आपस में बनता नहीं होगा, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं थे जितना आज के टाइम में आसानी से छोड़ देते हैं। मिनटों नहीं लगता है रिश्ता तोड़ने में, और मिनटों नहीं लगता है रिश्ता जोड़ने में। तो याद रखना कि पहले रिश्ता जुड़ता भी इतना आसानी से नहीं था, और टूटता भी इतना आसानी से नहीं था, याद रखना इस बात को। और आज के टाइम में कोई भी रिश्ता हो, है ना, बहुत आसानी से बन रहा है, इसीलिए वो रिश्ता आज आसानी से टूट रहा है। सबसे बड़ा यही बात है, सबसे सच्चाई वाली बात यही है। एक और चीज़ है, आज के समय में कोई इंसान है, अगर कोई लड़की है तो उसको इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर कोई लड़का है तो उससे बेटर मिल सकता है बहुत आसानी से उसको, है ना, स्कूल में, कॉलेज में, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना, अपने घर फैमिली, अपने सिटी में, अपने गांव में, कहीं पे भी, या सबसे इंपॉर्टेंट वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सोशल नेटवर्किंग पे उसके कॉन्टैक्ट में आ सकता है, है ना। तो उसको एक के बदला दूसरा ऑप्शन बड़ी आसानी से मिल जा रहा है, इसलिए लोग इसको छोड़ने लग रहे हैं। देखो, हमारा जो दिमाग है ना, वो ऑटोमेटिक इस चीज़ पे काम करता है कि अगर एक चीज़ जो हमारे पास है उससे अगर बेटर मिले, उससे अच्छा मिले, है ना, उससे गुड चीज़ मिले, तो हम ऑटोमेटिक इसको छोड़ने लगते हैं, इस पर कम ध्यान देने लगेंगे। वैसे ही इंसान के साथ हो रहा है, रिलेशनशिप में यही हाल है। अगर कोई इंसान है, किसी इंसान से अगर हम प्यार करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसके साथ अगर मेरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके साथ उतना बन नहीं रहा है, तो तुरंत हमको ना एक ऑप्शन रेडी हो जा रहा है, क्योंकि हम एक्सपोजर बोले ना स्टार्टिंग में, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमको लोग बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं मिलता था। जो है जैसा भाई, उसी को एक्सेप्ट करना है, उसी को ठीक करना है, उसी चीज़ को, उसी रिश्ता को और अच्छा बनाना है, जहाँ कमी है उसको सुधारना है, बस ये था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, हमको ऑप्शन इतना आसानी से मिल जा रहा है मार्केट में कि हम तुरंत इसको छोड़ के इसको पकड़ ले रहे हैं, अब इसमें वो बात नहीं रही तो इसको छोड़ के फिर किसी तीसरे को पकड़ लेंगे, बस यही चल रहा है। यही रीज़न है कि अब देखना, जैसे ये इंसान है, एक मान लो अगर इस इंसान से अच्छा अगर इसको मिल गया, मतलब ये इंसान है, ये लड़का अच्छा है, ये लड़का से ज़्यादा ये अच्छा है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा बात करता है, बहुत अच्छा इसका ड्रेसिंग सेंस है, कपड़ा अच्छा पहनता है, दिल का बहुत साफ है, बहुत स्वीटली बात करता है, बहुत केयर करता है, बहुत दिल का नेक इंसान है, तो इसको हम छोड़ने लगेंगे ना, यही हो रहा है। अब इसको छोड़ के इसके पास जाएंगे, अब कल के गले इसके साथ भी मेरा वैसा बॉन्डिंग ना बने, है ना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अच्छा चलता है रिलेशन, फिर उसके बाद अगर इससे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा होने लगे, इससे ना बनने लगे, तो इसको हम क्यों अच्छा करना चाहेंगे? इस पर कौन अपना दिमाग लगाएगा यार कि हम इसको अच्छा करें, इसी पे रहें, या फिर इसी इंसान के साथ रहें और इसको अच्छा करें, इसको बेटर करें, जहां कमी है इस इंसान को बताएं, समझाएं, एक्सप्लेन करें, किसी तीसरे के पास तुरंत ना चले जाएं, क्योंकि इसके साथ हमने टाइम बिताया है, इस इंसान के साथ वक्त बिताया है। अगर इसको छोड़ के जाने लगेंगे तो उसको बुरा लगेगा, इसको हर्ट होगा, इसे झूठ बोलेंगे ना, इसको धोखा देंगे, इससे बहानेबाजी करेंगे, हजारों सैकड़ों झूठ बोलेंगे, और इससे इसको भी तो झूठ बोलेंगे ना, क्योंकि इसके पास हम जा रहे हैं तो इसको ये भी तो पूछेगा कि तुम्हारी लाइफ में पहले कोई था कि नहीं था। यहीं से तो झूठ बोलना हमारा हैबिट हो जा रहा है, हमको
धोखा देना, झूठ बोलना स्टार्टिंग से मेरा हैबिट हो गया। तो हम इंसान है ना, जब ये मेरा हैबिट हो गया तो हर किसी के साथ बोलेंगे। जब पहली बार हम कोई झूठ बोल रहे हो तो हमको डर लगता है, दिल में थोड़ा सा लगता है नहीं यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं ये गलत तो नहीं है, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। लेकिन जब बार बार वो चीज़ हम करते हैं तो उसका हम हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत हो जाता है, हमको साला फर्क ही नहीं पड़ता है कि इसको झूठ बोल रहे हैं, इससे इसको लाइफ में, इसके करियर में, इसके ज़िंदगी में क्या इस इंसान को झेलना पड़ेगा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमको ये चाहिए, बस इसको कौन अच्छा करेगा। रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है ना, जब हमारा अच्छा चल नहीं रहा होता है रिश्ता, तो हम उसको सुधारना नहीं चाहते हैं। बहुत कम हैं, रेयर लोग हैं जो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको समझाएंगे, तुमको एक्सप्लेन करेंगे, फिर भी तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग तुरंत छोड़ेंगे और कुछ दिन रिलैक्स रहेंगे, फिर तुरंत तीसरे को पकड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, यही तो कर रहे हैं।